डीजल मिलाएगी काजी करेंगे रोड़ी गो बना दे, चलो मैं कोई दिखाऊंगा हाथ में सड़क फूट जावे, नारियल के मार सड़क फूट जावे, गुंडा बैठ के सीट न पे, अब गुंडा कर दी कौन करेगो जो गुंडा है वो तो उन्नीस जाए की सीट पकड़ नहीं, सीट न बैठे अब गुंडा कर दी कौन करेगा, गुंडा कर दी चले युवा आज थोड़ी इधर आ जाइए। हाँ मैं क्या लग रहा है इधर से, क्या माहौल है इधर, क्या माहौल है इधर, माहौल आरएलडी को भी हट जाए तो जी। क्यों आरएलडी को चाह रहे हैं आप लोग, क्यों? अरे बीजेपी का शुक्र भी ना है तो यहाँ हमारे चाह रहे हैं, वो तो कह रहे डंका पूरे देश में डंका बज रहा है। भैया कहाँ बज रहा है, यहाँ तो भाई डंका बज रहा है आरएलडी को, यहाँ बीजेपी को, यहाँ आरएलडी डंका की बीजेपी पे यहाँ विरोध है, कल पढ़ता हूँ किसका सांसद विधायक को बीजेपी के। हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप लोग विरोध, अरे उन्होंने कुछ करेंगे ना विरोध करेंगे, देख रहा हूँ सड़कें चमचमा रही है, ये देखिए सड़क, सड़क कहाँ सड़क, जाटने को आरक्षण खत्म कर दो सतीश गौतम ताली बजा रहे हैं, और क्या जाटने को 2.5% आरक्षण है, सतीश गौतम ताली बजा रहे हैं, आठ खत्म कर दी अमित शाह ने, चौधरा आठ खत्म कर दी यही जाटन की, अब देखियो अमित शाह ने, अरे अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि जाटों से जो है बीजेपी का 650 सालों का पुराना नाता है। हम बता हमें जब रिश्ता ना हो, जब हमें आतंकवादी बताए रेखा है वहाँ बॉर्डर पे, जब कहाँ चले गए ये, और आतंकवादी इनकी इनने बात माने के बिल वापस कर लिए, अब आतंकवादी नहीं रहे हम। और दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पे कोई मुद्दा है, और मतलब चुनाव लड़वे को कोई इन पे मुद्दा ना है, हिंदू और मुस्लिम में छोड़ के कहे मुस्लिम हमें खाए जाएंगे, कोई मतलब ही ना है। आते कम से कम 1500 साल है मुसलमान है हमारे संग रहते रहते देश में, तो आज तक खाए गए अब खाए जाएंगे, ये रहो हमारे संग मुसलमान, ये बेफालतू की हवा बना रहे हैं, ना तो कहो शिक्षा पे बात करें, ना स्वास्थ्य पे बात करें, ना सड़कन पे बात करें, इन्हें सिर्फ धर्म पे बात करनी है, यही पर राजनीति करनी। तो कह रहे हैं कि सड़कें दम दमा रही है जो किसी कौन सी कौन सी सड़क, वीडियो नहीं देखी तो मैंने बाकी यूट्यूब पर गुजर जाएगा, डीजल मिलाएगी काजी करेंगे रोड़ी गो बना दे, चलो मैं कोई दिखाऊंगा हाथ में सड़क, सड़क फूट जावे, नारियल के मार सड़क फूट जावे, तो नारियल क्यों मारते हैं, उद्घाटन कर रहा है, उद्घाटन उद्घाटन कर रहा है बीजेपी विधायक, रोड़ी तो कट्टे को बताओ कोई सड़क बन नहीं है। अच्छा मेरा सवाल है कि आप आपकी युवाओं के मन में क्या चल रहा है, आरएलडी वो या वजह से मतलब सरकार जो है लैपटॉप और टैबलेट देने की बात, ये चाहे हमें सुपर कंप्यूटर दे दे, पर ये गुंडा है, सबरे के सबरे मट रही है, एक तो एक ऊपर इनमें रेपिस्ट है बीजेपी में, कैबिनेट मंत्री मंत्रालय पूरा उनते भरो पड़ो मटरी और रेपिस्ट अंते, सबसे ज्यादा गुंडा है हमें, और ये का के में गुंडा है, गुंडा भाई दिखाई दे मंचा, जब कल परसों प्रयागराज में बालकन पर कि गुंडागर्दी जो है खत्म हो गई है, गुंडा माफिया जेल, कोई गुंडागर्दी, गुंडा हमें कहा थे, हमें कहा थे गुंडा बैठ के सीट न पे, अब गुंडागर्दी कौन करेगा, जो गुंडा है वो तो उन्नीस जाए की सीट पकड़ नहीं, सीट में बैठे अब गुंडागर्दी कौन करेगा, गुंडागर्दी मतलब मुझे लगा सही सुना नहीं, वो कह रहे गुंडा माफिया जेलों में है, जेल का रास्ता खुला है, जेल में ना सीट में बैठे, योगी जी कौन हुए, अरे वो तो कह रहे दूरबीन लगा कर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, योगी जी कहाँ है, योगी जी को पिछलो इतिहास उठा के देखो, योगी जी क्या है, आप जांच पर जाएगी, सुनो क्या आता हूँ, हाँ अच्छा 5 साल योगी सरकार देख लिया क्या रहा माहौल, कछु नहीं रहा, बिल्कुल बेकार कर दो, किसान तो मार दियो ठोर, 5 साल पीछे हो गए किसान, 2000 रुपए मिल रहे हैं वो कहा है रो 2000 हाथ कौन के वो ये कौन के वो है कौन के हमारे ही है वो पहली बात तो आधे से लेके तो आई है किसानों का सम्मान कर रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हैं गेहूं लेके डाल ले 1000 वो गेहूं लेके डाल ले 1000 रुपए क्विंटल में ठीक है ना पीछे दे दो हमें 2000 रुपया तो हमारे रहे कौन के रहे हमारे योगी जी के रहे 1500 रेट लेकर रहो 1950 को गेहूँ खरीदे जा रहा 1400 1500 सरकार फेल रही है पास योगी जी की फेल रही बिल्कुल फेल।